आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस क्रशर। और आज की वीडियो में हम कनेक्टेड हैं रचित भाई से। रचित भाई कन्नौज में मैन्युफैक्चरर हैं नेचुरल अदर के एसेंशियल ऑयल के एरोमेटिक ऑयल्स के। और रचित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं दोबारा से इस यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में। जी राम भाई, और आज आप किस टॉपिक के बारे में हमें बताने वाले हैं? भाई आज मैं बात करने वाला हूँ, अभी तक हमारा क्या था, हम एकत्र पे डील नहीं करते थे, आप कह सकते हो हम उसे नहीं बनाते थे, बनाते भी थे तो सिर्फ उसमें बल्क इंक्वायरी रहती थी हर श्रृंगार। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने हर श्रृंगार भी ऐड कर दिया है, अब आपको लिस्ट में हमारी हर श्रृंगार भी मिलेगा और अब जो अपडेटेड लिस्ट आपको मिलेगी उसमें हर श्रृंगार के साथ कई सारे आपको और ऐड मिलेंगे, आपको कई तरीके की मश्क मिलेंगी उसमें और आपको थोड़े तरीके से आप कह सकते हो एक बहुत यूनिक सा फ्रेंच का कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा। रहेगा वो नेचुरल नोट पे, लेकिन अगर आप उसे यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत एक फ्रेंच यूनिक आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा जो लास्ट आपको करेगा कम से कम 7 to 8 hours, तो वो भी आपको लिस्ट में मिलेगा। तो इसलिए अभी हम नई लिस्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आपको आने वाले कुछ दिनों में ना नई लिस्ट आपको अपडेटेड मिलेगी तो उसमें आपको और प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बाकी हर श्रृंगार में हमने हमारा वही ग्रेड जो स्टार्ट हुआ है, सुपर सिल्क, सिल्क, सुपर शाही, शाही, गोल्ड, 960, 320 एंड 120। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि जो सिल्क और सुपर सिल्क है ये एकदम टॉप क्वालिटी का अतर होते हैं और पहले एडेड नहीं थे, सभी में सिल्क और सुपर सिल्क नहीं थे, बट अब लगभग जितने भी हमारे फ्लोरल में जितने भी हमारे जो अतर हैं उसमें अब धीरे धीरे रचित भाई ऐड कर रहे हैं जो टॉप क्वालिटी और थोड़ा सा लास्टिंग जितने ज़्यादा चाहिए उसमें ये ऐड हो रहे हैं दोनों। और रचित भाई मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जो मेरी खुद की थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि मैं भी आपका एक दर्शक ही हूँ, यहाँ पे जो ये अभी आपने बात करी हर श्रृंगार के बारे में, हर श्रृंगार का जो फूल होता है और जो रात रानी की भी हमने बात करी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन है मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये, अगर डिफरेंस होता है तो क्या दोनों के इत्र की खुशबू में भी कुछ फ़र्क होता है या नहीं होता है? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मैंने जहाँ तक जैसे मैं भी गूगल करके देखूँगा तो मुझे लगभग दोनों सेम ही नज़र आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। रब भाई देखिए, अगर हम पहले फूल की अगर बात करते हैं तो रात रानी का फूल जो होता है वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है, और जो हर श्रृंगार का फूल होता है, हर श्रृंगार का फूल अभी थोड़ी देर पहले आया था, अब नहीं है उस टाइम मेरे पास, तो मैं आपको दिखा था उसके फूल, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, उसमें फूल में क्या होता है, वो फूल ऑरेंज होता है अंदर से, उसकी जो लीव्स होती हैं, जो पंखुड़ी होती है वो वाइट होती है, मतलब क्रीमी कलर की होती है, और जो रातरानी होता है उसका होता है हमारा बिल्कुल वाइट। आप देखिए, अगर आप एक साइंटिफिकली वे में देखोगे तो दोनों को आपको नेम दोनों का सेम ही मिलेगा उस पर, कि वो हाँ रातरानी को ही आप बोलते हो सनलाइट जैस्मिन बोलते हैं, और आप देखिए ऐसे तो जैस्मिन और मोगरा भी लोग सेम समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं वो, और खुशबू में भी बहुत डिफरेंस होता है। ये इसकी जो प्रॉपर्टी है खुशबू की मैं आपको बताऊँ तो ये थोड़ा क्या होता है, जैसे एक टाइप ऑफ आप समझो थोड़ा सा स्पाइसेस ब्लेंड इसमें आपको लगेगा, सूख फ्लोरल तो है ही, ये फ्लोरल है, फ्लोरल है, थोड़ा आपको वेनिलिस्टिक खुशबू मिलेगी इसमें, थोड़ा स्पाइसी नोट इसमें मिलता है खुशबू में, और जो रातरानी में क्या है वो प्रॉपर बिल्कुल फ्लोरल खुशबू रहती है, और हर श्रृंगार में क्या होता है ये एक इसमें खुशबू रहती थोड़ी सी, आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप कोई मसाला सूंघ रहे हो, लेकिन हाँ आपको एक स्पाइसी खुशबू मिलेगी इसमें, बहुत हल्की सी आपको फील आएगा लगाने में कि कोई आप मसालेदार चीज़ लग रहे हो या कोई वेनिलिस्टिक चीज़ आपको स्मेल लग रही है, बाकी बहुत प्यारी स्मेल होती है इसकी, डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे इसको लगाने के बाद। मुझे भाई आपने थोड़ा स्पाइसेस का जब नाम लिया तो क्योंकि ठंड भी आ रही है नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या ये शमामा के क्लोज आता है या हिना के क्लोज आता है? क्योंकि आपने जो बताया था शमामा इज़ आल्सो ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस एंड हर्ब्स, तो क्या ये कुछ उसके आसपास आता है या नहीं? नहीं नहीं, वो तो राम भाई बिल्कुल अलग ही चीज़ है, मेरा आप कहने का मतलब नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब स्पाइसेस का ये था, जैसे आप सपोज दैट आपने मान लीजिए कोई इलायची का पाउच लिया, ठीक है, इलायची का पाउच का आपने रैपर खोला और आपने हल्का सा नाक के पास लेके आया तो आपको हल्की सी खुशबू लगी, एक आप कार्डमम को भी स्पाइस में ही काउंट करोगे ना, तो हल्की सी आप खुशबू लगी कि हाँ आपको लगे कि हाँ स्पाइसेस नोट्स निकल गई, तो वो इसमें आता है, कोई इसमें ऐसी खुशबू नहीं कि कोई तीखी खुशबू नहीं है इसमें, बहुत मीठा है ये, बस एक जो इसमें हाँ बस मैं एक
समझाने के लिए वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो उसकी खुशबू है थोड़ी सी हल्की सी, वो आपको हल्की सी बिल्कुल एक वार्म टच देके जाती है। वार्म टच से आप समझ सकते हो हल्का सा मसाले का एहसास आपको होगा। बाकी मसाले वाली कोई इसमें कोई ऐड नहीं, क्योंकि फूल ही है ये, तो कोई मसाले का कोई मतलब नहीं, बस वार्म टच देता है आपको एक, और बहुत प्यारी खुशबू है। जब आप इसके पेड़ के नीचे कभी खड़े हो जाओ या हमारे पास सुबह जब फूल आता है तो बहुत अच्छा लगता है देख के। ठीक है, तो जैसे कि रचित भाई आपने हरसिंगार के बारे में बताया, जो मेरी अपनी समझ अभी तक आई है, आपने भेजा भी हुआ है, मैं ट्राई करूँगा एक बार। हरसिंगार एक मतलब है तो फ्लोरल बेस, बट थोड़ा सा स्पाइसेस जैसा आपको लगेगा, तो मतलब ये आपके जो बाकी जो फ्लोरल अतर है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि रोज़ की बात करी जाए या फिर मोगरा की बात करी जाए, ये अपना फ्लोरल नोट ही देते हैं, बट ये थोड़ा सा आपको तीखापन आप जो जो मुझे लग समझ आया अभी तक वो हल्का सा इसमें आपको मिलेगा। इसमें मैं आपको थोड़ा और सरल भाषा में बताया, जैसे हमारा गुलाब होता है या हमारा मोतिया होता है, मोगरा होता है, बेला होता है, तो ये क्या होता है, इसकी खुशबू में सोनापन होता है। आप लगाते हो तो बहुत सोटी सोटी खुशबू आती है आपको लगती है। पर हरसिंगार में क्या होता है, जब आप लगाओगे तो थोड़ा आपको थोड़ा हल्का सा तीखापन मिलेगा, फिर बाद में जब ये ड्राई डाउन में जाती है तब खुशबू ये अच्छा, तब अपना एक प्रॉपर जो इसका प्रोजेक्शन है वो ये देना शुरू करती है, तब आपको एक अलग नोट्स देती है। स्टार्टिंग में आप लगाओगे तो अच्छी तो आपको खुशबू लगेगी, नो डाउट, क्योंकि हरसिंगार की खुशबू मैंने नहीं देखा किसी को ख़राब लगती हो, बाकी 100 में से एक आध दो लोग हों उनका नहीं पता, बाकी बहुत अच्छी खुशबू, वो सबके अपने अलग टेस्ट होता है वो, तो उसमें क्या है, वो आप जब लगाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ है, इसमें सोनापन आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद, और गुलाब और मोगरा मोतिया में इन सब में क्या था, वो आपको पहले लगता है, आप लगाते हो तो बहुत अच्छा फील आता, इसमें भी आपको अच्छा फील ही आने वाला है लगाने में। और इसमें इसकी मैं आपको खासियत बताना चाहूँ इसमें, और क्या चीज़ खास होती है देखिए, पहले तो जैसे अगर आपके कोई जॉइंट पेन वगैरह या कोई बॉडी पेन रहता है तो उसमें आपको बहुत काम आता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो उसको, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलना चाहिए इससे, ये ठीक है। अच्छा, और जैसे स्ट्रेस है अगर आप, तो आप इसको जो है अपने हेयर ऑयल में यूज़ कर सकते हो, आप हेयर ऑयल में इसको डाइल्यूट करके आप यूज़ करके लगा सकते हो इसको। कुछ लोग जो है इसको कोकोनट ऑयल में मिला के एक प्रॉपर जो लाइट बॉडी मसाज होती है वो इससे करते हैं, तो ये सब इसकी थोड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें, तो उसमें भी ये काम आता है। चलिए बहुत अच्छी बात बताई रचित भाई, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आपने किसी इत्र के बारे में ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई खुद की, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं जी। बाकी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे बन भी रहा है वो धुआं इतना, अच्छा, बन भी रहा है धुआं इतना जो मैं आपको दिखा नहीं सकता वहाँ पे जाके, ये वो काफी मैं दूर पे ही बैठा हूँ। ये जो आप देख रहे हो जो लेदर की बॉटल रखी हुई है अभी बिल्कुल हमारे इसमें जो डेक के पास, ये क्या रहा है, ये हो रहा है जैसे इसमें पानी होता है ना हर श्रृंगार में या किसी भी फ्लावर में, तो धूप में रखते हैं तो वो निकल जाता है, उड़ जाता है वो, और अच्छा लेदर की बोतल में रखने, तो जो आप बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे देख रहे हो सबसे जहाँ आपको वेंटिलेटर दिखाई पड़ रहा है, तो पीछे तो पीछे क्या है, वेंटिलेशन के पास ही हमारा टेस्ट चल रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ अगर आता है उसमें तो। तो अभी रचित भाई क्या यहाँ पे हम लोग हरसिंगार का ही अतर बना रहे हैं? हाँ राम भाई, पीछे वाली जो डेक चल रही है वो हरसिंगार बनवाया है उसमें, जो सबसे पीछे चल रही है वो मैं समय दिखा। अच्छा, अब आप ऐसे अगर दिखता है तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना धुआं है ना मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ राम भाई। ये रचित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने धुएं में भी आकर के वीडियो बना रहे हैं, और जो कारीगर वहाँ पे काम कर रहे हैं मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। उसमें आपको बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल पीछे बिल्कुल आप देख रहे हो वहाँ पे आग जहाँ पे दिख रही है वहाँ पे पूरा पूरी जो 12-14 डेज चल रही है वो प्रॉपर हरसिंगार की ही है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा, तो वो अगर आप इसमें ऐड करना चाह रहा तो कर देना, क्योंकि ऐसे तो मैं वहाँ खड़े होकर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। समझ सकता हूँ रचित भाई, बहुत धुआं है और बहुत परेशानी होती है, वहाँ आप पंखे वगैरह भी नहीं चला सकते हैं, चाहे जितनी गर्मी हो जितनी सर्दी हो कारीगर को काम करना है, आपको जाना ही है फैक्ट्री, तो समझ सकता हूँ कितनी मेहनत होती है छोटे से इत्र को, आप जो सुनते हैं एक्सपीरियंस करते हैं उसके पीछे आप लाइव देख सकते हैं कितनी मेहनत होती है जी रचित भाई। और इसमें राम भाई मैं हरसिंगार आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास जो हरसिंगार है ये हमारा सुपर सेल ग्रेड का ही है, ठीक है जी। और ये इस कलर वाले इस फॉर्म में होता है, कलर तो इसमें हो सकता है आपको ना दिखे ठीक से, लेकिन येलोइश कलर होता है लाइट, और जब हम इसको लगाते हैं ना राम भाई तो एक जो एहसास होता है ना खुशबू का वो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ही प्यारी खुशबू आती है बहुत ही। तो रचित भाई पर्सनली आपको इसमें कौन सा इतर अच्छा लगता है फ्लोरल की अगर मैं बात करूँ?
क्योंकि वैसे तो आप बता देंगे कि मैं ये लगाता हूँ, थोड़ा बहुत लगाता हूँ, बट फ्लोरल में आपका फेवरेट कौन सा है अगर हम बात करें? राम भाई देखिए, जो आप कभी कभी यूज़ कर लेते हैं फ्लोरल में, अगर मैं राम भाई अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं ज़्यादातर हर फूल की रूह ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, रूह मैं यूज़ करता हूँ, बाकी अतर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अब जैसे विंटर आ गई तो मैं विंटर में शमामा जो सुपर्स आई है उसको यूज़ करता हूँ। समर में तो रूह का रहता है, वो तो हमेशा सारे टाइम वो तो चलता है समर में, बाकी विंटर में मैं यूज़ कर लेता हूँ। और मैं समर में भी शमामा यूज़ कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे वो बहुत पसंद आता है। और फ्लोरल में मुझे सारी चीज़ें पसंद है, क्योंकि राम भाई देखिए सबकी अपना अतर का सबका अपना नेचर है अलग अलग, सब अपने नेचुरल चीज़ों के साथ आते हैं, तो किसी का मैं ये नहीं कहता वो बुरा है अच्छा है, सब सारे अच्छे हैं। पर्सनली अगर बात करें तो मुझे गुलाब ज़्यादा पसंद आता है लगाने में। तो अर्चित भाई, जैसे कि पिछली सर्दियों में मैंने शमामा का इस्तेमाल किया था और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, देखिए उसमें हल्का सा अगरबत्ती टाइप की जो मुझे खुशबू लगी आई, क्योंकि वो स्पाइसेस टाइप का मुझे कुछ लगा, अगरबत्ती जैसे हम सूंघ रहे हो अच्छी क्वालिटी की, कुछ कुछ वैसे खुशबू थी, बट लगाने के बाद अंदर से ना लगा कि कुछ गर्म गर्म बॉडी से निकल रहा है। ये उन दर्शकों के लिए जिन्होंने कभी ट्राई नहीं करा शमामा, बिल्कुल ट्राई करिए एक बार, आपको अंदर से पहले तो लगेगा अगरबत्ती टाइप की खुशबू आ रही है, बट हल्का सा स्पाइसेस का ब्लेंड, और लग रहा है कि बॉडी में कुछ गर्म गर्म आपके आ रहा है, तो लगता है, फील होता है कि आपको ठंड नहीं लग रही है। ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं रचित भाई। हाँ, पॉइंट पे आते हैं क्योंकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पॉइंट से। तो रचित भाई, और कुछ इसमें करना चाहेंगे ऐड? हाँ, अब देखिए इसमें अब हर श्रृंगार में क्या है, हर श्रृंगार जब आप यूज़ करोगे तो आप इसको ये समझ के ना यूज़ करें कि ये रातरानी है या चमेली है, ये प्रॉपर बिल्कुल डिफरेंट इसकी खुशबू है, जब आप लगाओगे ना तो उसको पूरी तरह लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको क्लोज लग सकती है, अगर आप एक जंगल जो लगाने वाला है जिसे नहीं जानकारी है वो लगाएगा, वो सोचेगा यार बिल्कुल सेम खुशबू है, लेकिन दोनों सब कुछ अलग अलग है, बिल्कुल सेम अलग फूल होता है, अलग सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ अलग है, इसमें खुशबू भी अलग है, तो डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करो, अच्छी खुशबू है, अच्छा काफ़ी मेहनत है आप लोगों के लिए, तो आप एक बार डेफिनेटली ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको ट्राई करके। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल डाल देता हूँ सभी दर्शकों के लिए, और आप आराम से कर सकते हैं संपर्क। और एक जो रचित भाई ने मुझे बताया था, जो मैं ही अपील कर देता हूँ सबसे, कि आप लोग कॉल करने के बजाय यदि व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रचित भाई कहते हैं दिन में इतनी सारी कॉल्स आती हैं, फैक्ट्री में हैं, कॉल पिक करने का टाइम नहीं होता, फिर आप में से काफ़ी दर्शक ये कमेंट करते हैं कि कॉल नहीं उठा रहा कोई, व्हाट्सएप का रिप्लाई ज़रूर आएगा, कॉल हो सकता है पिक करने में कई बार चूक हो जाए, क्योंकि कई बार दिन की 100-200 कॉल आती है, 300 कॉल आती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार फ़ोन बहुत देर तक बिजी भी जाता है क्योंकि चीज़ें समझानी पड़ती हैं जैसे रचित भाई ने बताया। तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा PDF या जवाब मिल जाएगा। तो रचित भाई कुछ और ऐड करना चाहेंगे? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, वो आप अपील समझ लो, उसे एक नोटिफिकेशन समझ लो। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा 1 ग्राम का सेट है एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने 10 ग्राम का एक ले लिया, वो चाहे मैं कह रहा हूँ 10,000 का ले रहे हो एक सिंगल, ठीक है, लेकिन अगर आप 1 ग्राम का लोगे तो आपको 10 ही लेने पड़ेंगे उसमें, आप चाहे एक प्रोडक्ट ले रहे हो चाहे 2 प्रोडक्ट ले रहे हो। ऐसे ही सेम फंडा है 3ml 6ml, 3ml में हमारी मिनिमम ऑर्डर 5 है और 6ml में 5 ही, क्योंकि उसमें राम भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारा पूरा सेट बेकार होता है। आप समझो अगर बंदा 3,000 का अतर बाय करता है एग्जाम्पल, ठीक है, वो 3 ग्राम वाला, तो आप समझो उसमें हमारा काफ़ी नुकसान होता है, वो हमारा पूरा सेट ख़राब हो जाता है। अब वो फिर क्या करना पड़ता है, हमें वो बॉटल ओपन करके फिर उसे उसमें मिक्स करना पड़ता है, तो वो ना बैच अलग अलग हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंगली उसे लें, अगर जो जो एक हमने जो क्राइटेरिया बना रखा ना, उसे क्राइटेरिया पे अगर आप भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है रचित भाई। और रचित भाई मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, अभी क्योंकि जब भी इसकी क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट्स बहुत सारी आती हैं, कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप मैसेज बहुत बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, कई बार तो रिप्लाई भी नहीं हो पाते एक दो दिन में। तो रचित भाई, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि एक बार आपके पास अभी मेल आया था कल परसों, कि जिसमें ये बात कही गई थी कि मैंने कन्नौज के एक और मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट करा और उनसे लिस्ट मांगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम रिटेलिंग में करते ही नहीं है काम, क्योंकि जो जिसका ऑलरेडी B2B काम है, 25-25 लीटर के ड्रम जा रहे हैं और टेंशन भी नहीं है इतनी, यहाँ पे 1-2 ग्राम के लिए कस्टमर को भेज रहे हैं, उसके बाद वो फीडबैक दे रहे हैं कि आपका माल एक दिन लेट हो गया डिलीवर, कई बार दिवाली के केस में भी रचित भाई ने बताया था कि लेट हो रहा है। तो रचित भाई रिटेलिंग कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से, रिटेलिंग के लिए उन्हें प्लीज़
थोड़ा सा आप ये कर दीजिए, क्योंकि बी टू बी भी होता है रिटेलिंग में, कोई काम बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर है नेचुरल जो काम करते हैं, क्योंकि इन सबके ऑलरेडी फिक्स कस्टमर रहते हैं, तो प्लीज रिटेलिंग कर रहे हैं। जी जी, हमारे पास बिल्कुल पीछे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे हमारे ड्रम रखे हुए हैं, ये सारे 220 के जी के ड्रम है, ठीक है। तो ये हमें क्या, ये हमें भेजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, इसमें इतना कुछ झंझट होता है। तो अब बिल्कुल थोड़ी चीज़ समझ नहीं हो रही। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आज पैसा ट्रांसफर करता है, उसने 100 रुपये ट्रांसफर किए, 1000 रुपये ट्रांसफर, तो आप उसमें हमने मेंशन कर देते कि 2 से 3 दिन में वो डिस्पैच होगा, तो उस चीज़ के लिए परेशान ना हो, आपका कहीं पैसा नहीं जा रहा, आपको 2 से 3 दिन हम टाइम देते, उससे पहले ही आपको मिलेगा। तो ये जब चीज़ें जो होती हैं, ये राम भाई थोड़ा एक आपस में भी चीज़ें होती कि अब हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। अब बंदा खराब चीज़ ले लेगा वो उसे चलेगा, लेकिन वो डिले नहीं करना चाहता, वो चीज़ है। तो थोड़ा ही पेशेंस भी रखें तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, बाकी हम सबके लिए अच्छा रहेगा, आपको सही चीज़ भी मिलेगी, कोई चीज़ भी ख़राब नहीं आएगी। बस ये चीज़ है, 2 से 3 दिन में आपको मिल जाता है मोस्टली ट्रैकिंग नंबर। बिल्कुल रचित भाई, सही बात कही आपने। आपने भी कहा था स्टार्टिंग में, जब मेरी आपसे बात होती थी, आपने कहा था हम रिटेलिंग में काम नहीं करेंगे क्योंकि सरदर्दी ज़्यादा है और कोई ऐसा कुछ वो भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था आपकी कि आप प्लीज चैनल पे आइए, आपकी वजह से ही रिटेलिंग हो, आपकी वजह से ही रिटेलिंग हमने स्टार्ट की है सारी चीज़ों, वरना मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें यूट्यूब क्या रिटेलिंग में नहीं, इसमें उतना कोई नहीं होता काम, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट की वजह से हमने स्टार्ट किया उसमें। जी रचित भाई मैं यही चाहता था कि जो ये अदर इंडस्ट्री है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे परफ्यूम रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, बट वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट करी और वीडियो बना दी, ठीक है, अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात बताते हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप यहाँ आइए, क्योंकि इतनी पीढ़ियों से आप ये चीज़ देख रहे हैं, दादा परदादा को करते हुए, पिताजी को करते हुए, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो समझ है, वो लोगों तक जानी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इतनी पुरानी इंडस्ट्री है, विश्व की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है कन्नौज में, ये क्या बना रही है, आजकल के युवाओं को भी पता होना चाहिए। इसीलिए हमने रिटेलिंग स्टार्ट की, तो रिटेलिंग में आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए। बिल्कुल सर, प्लीज़ ये मत बोलिए कि 1 ग्राम का एक ही भेज दीजिए, है ना, 25 kg का, 20 kg का जो ग्राम जाता है उसको इन्होंने सीधा 6 ग्राम पे लेकर के आ गए, आप ही सभी के लिए। जी रचित भाई, बस हाँ भाई, अभी इस हर श्रृंगार के लिए इतना ही चीज़ है, क्योंकि ऐसे तो हम ऐड करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, आधा घंटा 1 घंटे भी बात कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है रचित भाई, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप ध्यान रखिए और अच्छी अच्छी खुशबुएं सूंघते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।